हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्राडे आइडिया में, जिसमें आपको डेली मार्केट और स्टॉक्स का अपडेट दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली इन वीडियो से कुछ सीख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को पूरा देखें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंडे 17 अक्टूबर के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। पहले एक नज़र आज के मार्केट पर। आज मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ और मॉर्निंग का लो ब्रेक कर 17,250 से 17,300 के लेवल पे काफी देर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का ब्रेक आउट किया, जिसमें बहुत लोग ट्रैप हुए। फॉल्स ब्रेकआउट देकर मार्केट मॉर्निंग हाई से काफी तेज गिरा। आज के डे हाई से करीब 150 पॉइंट की गिरावट आई और मार्केट पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन के डेटा बेस से क्या निकल के आ रहा। अगर मंडे 17 अक्टूबर को निफ्टी में ऊपर के तरफ 17,350 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर निफ्टी 17,150 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी में ऊपर के तरफ 39,600 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी 39,200 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के स्टडी के लिए हमने कल 4 स्टॉक दिए थे। पहला ACC, दूसरा एशियन पेंट, तीसरा HCLTech और लास्ट लुपिन था। आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ। हमारे सभी 2 कॉल्स बाई साइड 2 सेल साइड थे। मार्केट मॉर्निंग में बुलिश था, जिससे HCLTech और लुपिन हमारे बाइंग लेवल को केवल ट्रिगर कर लुपिन ने एक बार स्टॉप लॉस हिट किया और HCLTech ने आल टारगेट हिट किए। बाद में लुपिन ने फिर लेवल को ट्रिगर कर आल तब टारगेट हिट किया। सेकंड हाफ में जब मार्केट में गिरावट आई तो हमारे सेल साइड वाले स्टॉक्स ने भी लेवल ट्रिगर किए। एशियन पेंट 18 पॉइंट मूव दिया और ACC सेलिंग लेवल के नियर ही क्लोज हुआ। आज का दिन पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छा रहा। इस समय मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी है, इस वजह से आप लोग प्रॉपर रिस्क एंड स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करें। इन स्टॉक्स के लेवल कल के वीडियो में देख सकते हैं, और हाँ, अगर आप लाइव कॉल्स चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से इंट्राडे आइडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और सीखें, साथ में लेवल्स को फॉलो करिए। मैंने मंडे 17 अक्टूबर के लिए बेस्ट 4 स्टॉक्स सिलेक्ट किया है, जिसमें पहला एस्कॉर्ट, दूसरा SBI लाइफ, तीसरा इंडिया सीमेंट और लास्ट HCLTech है, जिनके लेवल्स आगे दिए हैं, देख सकते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। मेरा पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट को मैं 1953 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 1970 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ को मैं 1177 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस इसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट को मैं 226 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 230 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है HCLTech। HCLTech को मैं 1005 के ऊपर बाई करूंगा और स्टॉप लॉस 994 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे तुरंत आपको अपडेट मिल सके।